तो दिल्ली की सबसे हॉट सीट है ये। हालांकि सभी सातों सीटें महत्वपूर्ण हैं सभी दलों के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां से मनोज तिवारी, साथ ही साथ गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से कन्हैया कुमार हैं, और कन्हैया कुमार के भी अपने जीत के अलग दावे हैं। एकमात्र ऐसे सांसद सिटिंग एमपी जिनका पार्टी ने टिकट नहीं काटा, बाकी सभी छह सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार अपने बदल दिए। अब पैनल का रुख कर लेते हैं। हिमांशु सर हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु सर, साथ ही साथ कांग्रेस से ज्योति जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले आपके पास हिमांशु सर आते हुए, आज का मुकाबला छठे चरण का बेहद दिलचस्प है, और चूंकि हम दिल्ली की बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट है, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, कैसे दिल्ली के पूरे रण को आप देखते हैं? चूंकि इससे पहले कल भी हम चर्चा कर रहे थे, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा डिसाइसिव है, लोकसभा चुनाव के लिए वोट बीजेपी को करती है, विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जाती है। क्या लग रहा है, इमोशनल कार्ड जो खेलने की कोशिश हुई आम आदमी पार्टी की ओर से, उसका कुछ नतीजा क्या देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत सीधी सी स्पष्ट सी बात है, अंतिम दिन में आप इमोशनल कार्ड प्ले करोगे। हाँ, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है किसी राजनेता के साथ तो उसकी तरफ से सम्पत्ति जाती है, मगर अंतिम दिन आप जाके कहोगे कि भाई आप वोट देना मुझे, नहीं तो फिर से मैं जेल में जाऊंगा, मुझे 7 सीट पूरी नहीं दोगे तो फिर मैं जेल में जाऊंगा। ये सब बातें आजकल के लोग, आजकल का विकासशील हो रहा भारत और दिल्ली की राजधानी में लोग नहीं सुने। लोगों का, जैसे आपने बताया कि पीपल आर वेरी डिसाइसिव, उनको पता है कि हाँ किसको वोट देना है। राष्ट्र के लिए, देश चलाने के लिए एक पार्टी को उन्होंने चुना है, वो उनको वोट देते हैं। और जहाँ तक स्टेट का और दिल्ली का सवाल है, वहाँ पर उनको फ्रीबीज मिलती है तो वो आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। अभी इसमें कोई बड़ा बदलाव होता है वो तो मुझे दिखता नहीं, उसकी वजह ये बताऊं मैं आपको। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो 2019 में जब ये तीनों पार्टी अलग अलग लड़ी थी, तब भी बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 56-58%, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 22-24% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18-20%। अभी ये 18-20% से 20-24 को मिला भी दे, मुझे तो सबसे पहला डाउट ये है कि क्या कांग्रेस का वोट भाजपा, कांग्रेस का वोट आपको कन्वर्ट होगा, या आपके वोटर कांग्रेस को जाके वोट दे के आएंगे? नहीं होगा, क्योंकि आप जो बैठा है वहां पर वो कांग्रेस का शासन छीन के, कांग्रेस को बेइज्जत करके कांग्रेस की सीट्स लेके बैठा हुआ है। तो धरातल पर तो लोग अपने हिसाब से वोट करेंगे, भले मुकाबला टक्कर का हो। अभी ये बात आप कर रहे हैं कि जहां पर मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार, अभी जो बेगूसराय में लड़े थे कितने वोट मिले थे, वो तो उनका वतन था। अब बेगूसराय से सीधा स्काईलैब आके यहाँ दिल्ली में गिरे। आपका ये कहना है कि जिस पार्टी को सत्ता से हटाकर फिर सत्ता में आई है, यानी कि कांग्रेस को हटाकर आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आई है, तो फिर कैसे लोग उन पर भरोसा करेंगे? ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, विजय शर्मा हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, ये क्या कह रहे हैं हिमांशु जी कि भरोसा जनता कर नहीं पाएगी? हालांकि जब वक्त बदलता है तो नेताओं की सोच भी बदलती है, और अब जो पार्टी दुर्विरोधी होती थी वो अब साथ में आती हुई नजर आती है, लेकिन आम जनता, क्या उनका माइंड सेट होता है इन सब चीजों से, या वो भरोसा कर पाते हैं क्या बदलती हुई चीजों में? ये जो हिमांशु बाबू हैं जो बैठे हैं ये स्टूडियो में और अपने घर दिल्ली में बैठ के गोल 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 बात कर रहे हैं, अरे बात करें कि ये जनता क्या चाहती है। वो कह रहे हैं पायलट होकर आ गए, मोदी जी कहाँ से आ गए, क्या बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं? आपसे बड़े समझदार लोग हैं, मैं झारखंड में भी 1.5 महीना रहा और बात किया, वहाँ गली गली घूमते रहा। आप जो स्थिति है लोगों का, जो ग्राउंड लेवल पर लोग देख रहे हैं कि हमें नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, महंगाई हमें इतनी क्यों परेशान कर रही है, हमें बेरोजगारी की इतनी समस्याएं क्यों है। मैं खास कर बताऊं आपको, झारखंड की बात है, वहां के ट्राइबल लोग इतना परेशान है कि नहीं। अब चुपचाप रहिए ना, सो आपको सुने आराम से, ऐसी रूम में बैठे पत्रकार है, आप लोगों को गुमराह करने के लिए आप बरगला रहे हैं। ज्योति जी भाषा का ख्याल रखेंगे, कौन सी भाषा, आप दोनों ही बहुत सम्मानित हैं,
आप दोनों ही बहुत सम्मानित हैं, एक एक करके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। ज्योति आप उनको बोलने क्यों दे रहे, मैं तो उनका बात सुना, मैं मेरी बात को सुन लिया जाए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अभी मुद्दे किसान की है, अभी मुद्दे किसान की इसलिए है कि जब 750 किसान मारे जाते हैं वो अपने हक की बात करते हैं और प्रधानमंत्री 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं केवल 20-21 कुछ कॉर्पोरेट के लोगों को, तो सवाल उठता है, वो पूछते हैं। आप जब महिलाओं के ज्योति जी आप रहिए, बस 10 सेकंड आपको रोक रही हूँ, अरविंद केजरीवाल ने वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद वो अपनी उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए, और यहाँ सुनीता केजरीवाल हैं जो वोट डालने के लिए दिखाई दे रही हैं, यानी कि पूरी फैमिली के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, हंसता मुस्कुराता अरविंद केजरीवाल का चेहरा और उनकी पत्नी मुस्कुराते हुए यहाँ वोट डालने के लिए मीडिया कर्मियों के ठीक सामने कैमरे के आ गए हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ अपनी उंगली पर स्याही का निशान दिखा रहे हैं, यानी कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल दोनों ही अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं, मतदान कर चुके हैं और फिर आगे बढ़ गए हैं। पूरी फैमिली यहाँ पर पहुंची हुई है, बुजुर्ग पापा को भी लेकर साथ में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। ज्योति जी अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं बड़ा विनम्रता से आपके पूछता हूँ कि हर चुनाव तो कुछ ही मुद्दे पर होती है ना, तो जब प्रधानमंत्री अपने गारंटी की बात कर रहे थे पूरे झारखंड में और पूरे देश में, तो अपनी गारंटी की बात बोलना भूल गए और कहाँ कहाँ वो पोलराइजेशन पर चले गए, मंगलसूत्र की बात करने लगे, भैंस चोरी हो जाएगा उसकी बात करने लगे, आप गारंटी की बात करना भूल गए। अब पहला जब इलेक्शन का जब बातें लोगों को समझ में आने लगी तो लोग बोले कि जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो क्यों नहीं, तो लोग को विश्वास होने लगा कि जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि हम 30 लाख नौकरी जो सरकार ने नहीं दी प्रधानमंत्री सरकारी, वो राहुल गांधी आएंगे तो दे देंगे। लोग उन्होंने 1 लाख रुपया बेरोजगार युवाओं के रोजगार की बात की, वो लोगों को विश्वास होने लगा। महिलाओं को 8,500 पर मंथ मिलेगा, ये लोगों को विश्वास होने लगा। और चूंकि प्रधानमंत्री अपने जितने वादे किए थे वो वादों को पूरा नहीं किए पूरे 10 साल में, उसका लोगों को समझ में आने लगा कि 400 का आपका सिलेंडर 1,000 लोगों को समझ में आने लगा, 20 रुपए का आटा 40 रुपया लोगों को समझ में आने लगा। तो देखिए इस बार जो चुनाव है वो चुनाव नरेंद्र मोदी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, वो केवल गुब्बारे उड़ाते रहे, तो लोगों को ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, लोगों को बांटने को। और देखिए आप कहीं पूरे देश में ये पोलराइज करने की कोशिश, कहीं एक दंगा हो सका? ठीक है, ये तो अब बहुत ज्यादा दिन भी चुकी नहीं बचे हैं, 4 जून को नतीजे भी सामने होंगे ही, मोदी की गारंटी चली या क्या। ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की, पूरे परिवार समेत तस्वीरें, वोट अपना कास्ट कर चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, ये सीधा तस्वीरें पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए, साथ में पत्नी सुनीता केजरीवाल और दोनों बच्चे भी उनके मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और शायद थोड़ी देर में मीडिया से बातचीत भी अरविंद केजरीवाल करेंगे, क्योंकि जब यहां पहुंचे थे तब उन्होंने बातचीत नहीं की अपने पिता के साथ, उन्हें भी साथ में लेकर पहुंचे और एक मैसेज देने की कोशिश की, जरूर घर से बाहर आप लोग भी निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। विजय शर्मा जी आपके पास मैं आ रही हूं, कांग्रेस से ज्योति जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि मोदी जी ने शुरू में तो जिक्र किया मोदी की गारंटी का, लेकिन बाद में होते होते अपने कामकाज से हटकर वो विरोधियों पर निशाना सिर्फ साधते रहे। इस बार का चुनाव क्या मान रहे हैं, मोदी वर्सेस ऑल का है, क्योंकि मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया इस बार? देखिए ज्योति जी ने जो बोला मैंने बड़े ध्यान से सुना, अभी ज्योति जी ने खुद मान लिया कि जो अपने राहुल गांधी जी हैं इनके, वो जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके युवराज की नाना दादाजी आए, उसके बाद में इनके पिताजी आए, माताजी पीछे बैकडोर से चलाती थी मनमोहन सिंह के राज में, अब युवराज जी को हो गया। तो ये झूठ पे आधारित बातें करते हैं सारा तथ्यहीन। अभी इन्होंने कहा कि सिलेंडर किस तरह से 300-400 का इतने रुपए में हो गया। भाई ज्योति जी मैं आपको चुनौती देता हूँ यहीं चैनल के माध्यम से, जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी जब कितने रुपए का था, 300 कुछ रुपए का सिलेंडर था, जब आपकी सरकार गई आपके राज में कितने का था, 900 कुछ रुपए का था, 3 गुना रेट थे। और आज हमारी सरकार है 10 साल हो गए, आज भी 1100 कुछ रुपए का है, तो आप देखो आपके राज में 3 गुना हमारे राज में कितना है। अब आप पेट्रोल डीजल की बात ले लीजिए, पेट्रोल डीजल जब वाजपेयी जी गए थे क्या था, 32 रुपए 35 रुपए ऐसा था, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग रेट होता है। और जब आप गए आपने क्या रेट कर दिया उसको, 70 से 75-76 रुपए तक ले गए आप, और उसमें भी 40,000 करोड़ का कर्ज बॉन्ड जारी करके छोड़ गए देश के ऊपर, जिसको हम भरने का काम कर रहे हैं। और आज कितने आए, आज है 95 से 96 रुपए। तो ये आपका जो है
जो मुखौटा है वो सामने आ चुका है। अब आप बेरोजगार